Life is like a box of chocolate. You never know what you can get. जी हाँ दोस्तों, life is like a box of chocolate. You will never know what you will get from it. दोस्तों मैं आज अपने इस मंच से एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश और जुनून पैदा हो जाएगा, आपके अंदर एक ऐसी आग लग जाएगी जिसमें से आप निकलेंगे तो बिल्कुल खरा सोना होके। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिसे कदम कदम पे रिजेक्शन मिला, कदम कदम पे फेलियर मिला, फिर भी वो इंसान हारा नहीं और अपने मेहनत के बल पे, अपने ईमानदारी के बल पे, अपने लगन के बल पे जिसने अलीबाबा जैसे ट्रिलियन डॉलर कंपनी की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैक मा की। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आगे के 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत ही बेशकीमती होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक गरीब घर में पैदा हुए जैक मा के लिए अपने जिंदगी के शुरुआती दिन बड़े ही कठिनाई से परिपूर्ण थे। वो कहीं भी जाते उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता या फेल कर दिया जाता, चाहे वो जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ और। जैक मा जिन्हें अंग्रेजी भी ढंग से नहीं बोलनी आती थी, अंत में जब वो हर एक चीज़ से हार गए तब उन्होंने टूरिस्ट गाइड का काम किया और उन्हीं टूरिस्ट से उन्हें अंग्रेजी बोलना आया, उन्हीं टूरिस्ट ने इन्हें अंग्रेजी सिखाया। दोस्तों आज जैक मा की अंग्रेजी सुनकर के आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये वही इंसान है जिसे कभी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी। दोस्तों ये है मेहनत का फल। आज इसे पूरी दुनिया जैक मा के नाम से जानती है, आज इसे पूरी दुनिया ट्रिलियन डॉलर कंपनी का मालिक समझती है। उसका असली नाम जैक मा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैक मा का असली नाम जैक मा नहीं है तो फिर क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैक मा का नाम दिया गया, एक टूरिस्ट का नाम दिया गया है जिसे जैक मा ने बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। जैक मा ने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, चाहे उन्हें जितने भी फेलियर रिजेक्शन मिले उन्होंने उसे स्वीकार किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे अपने मेहनत के बलबूते पे। अगर हमें एक दो फेलियर मिलता है तो हम हार करके बैठ जाते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा। दोस्तों फेलियर कभी ये नहीं सिखाता है कि आप हार मान के बैठ जाओ। फेलियर ये कहता है कि आप जो काम कर रहे थे वो और भी अच्छे से हो सकता है, तो और मेहनत करके आप इसे करें। यही फेलियर की सीख है। आमतौर पे हम सभी ये समझ लेते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन जैक मा की यही खूबी है कि वो हमेशा अपनी फेलियर, अपने रिजेक्शन से प्रेरणा लेते रहे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू विल नेवर नो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इट। ये प्रेरणा उनको हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाती रही। उनका कहना है कि आप अपनी जिंदगी में कभी एक चीज करने की सोचिए और उसे कीजिए, अपने पूरे मेहनत ईमानदारी से उसे कीजिए, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी में यही होता है कि हम कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचते हैं, उससे हम डरते हैं, करने से कतराते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, ना आपके साथ ना हमारे साथ, बल्कि उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा और सीख जरूर मिलेगी। यही जैक मा के लाइफ का रूल रहा है, यही जैक मा के लाइफ की प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज बुरा है कल इससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपके लिए सनशाइन होगा अगर आपने सच्चे दिल से, ईमानदारी से मेहनत की, अपने काम को अंजाम दिया, तो आपके लिए कल नहीं तो परसों एक सुखद सवेरा निकलेगा जिसमें आप आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं, चैन सुकून से रह सकते हैं। जैक मा के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो दोस्तों, होप सो कि आपको पसंद आया होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा किया होगा जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।